एक शहर से दूसरे शहर तक कई दिनों के प्रमोशन के बाद विजय सेतुपति और कैटरीना कैफ स्टार सस्पेंस थ्रिलर मेरी क्रिसमस फिल्म आखिरकार सिनेमाघर में रिलीज हो गई है। फिल्म की कहानी हर किरदार को इतनी पवित्रता से पेश करती है कि आपको अंत तक बांधी रखेगी। हालांकि मुझे लगा कि फिल्म पहले भाग में थोड़ी धीमी थी क्योंकि कहानी बन रही थी। यदि आप सस्पेंस थ्रिलर देखना पसंद करते हैं और इस सप्ताह में अंत में जाके सिनेमाघर में मेरी क्रिसमस देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। फिल्म की शुरुआत इसके ट्रेलर की तरह होती है जहाँ स्क्रीन दो हिस्सों में बांटी हुई है और दो लोग मिक्सर ग्राइंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद फिल्म की शुरुआत विजय सेतुपति के 7 साल बाद अपने घर लौटने से होती है जहां वो अपने पड़ोसी से मिलते हैं जिसका किरदार टीनू आनंद ने निभाया है। ये क्रिसमस की पूर्व संध्या थी और विजय ने त्योहार मनाने के लिए बाहर जाने का फैसला किया और एक रेस्टोरेंट में जाके पहुंचा। उन्होंने कैटरीना को अपनी बेटी के साथ अकेले बैठे देखा। कैटरीना से विजय को प्यार हो जाता है। कैटरीना जहां पर जाता है विजय उसका पीछा करने लगता है। कुछ समय बाद दोनों अजनबी एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और अंत में उसके घर पर क्रिसमस की पूर्व संध्या मनाते हैं। वो नाचते हैं, शराब पीते हैं और अपने अतीत को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। कैटरीना के घर पर एक अपराध स्थल हिस्सा बनने तक उनके बीच चीजें सही थी लेकिन एक घटना ने पूरी कहानी को घुमाकर रख दिया है। जब अभिनय की बात आती है तो दोनों प्रमुख सितारे कैटरीना कैफ और विजय सेतुपति ने अपने किरदार को सही ठहराया है। हालांकि फिल्म के पहले भाग में आपको उनके हिंदी उच्चारण को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए कठिनाई होगी और कुछ शब्द छूटने की संभावना है लेकिन यह लंबे समय तक नहीं रहेगा और व्यक्ति को उनके उच्चारण की आदत हो जाएगी और वो उन्हें अपने किरदार को परफेक्ट पाएंगे। फिल्म में विजय को अंतर्मुखी दिखाया गया है और वो किरदार को अच्छे से निभाते हैं। दूसरी ओर कैटरीना भी अपने चुलबुले प्यारे किरदार से मंत्रमुग्ध कर देती है जो एक माँ है और उसका निजी जीवन अस्त व्यस्त है। मुख्य अभिनेताओं के अलावा टीनू आनंद, संजय कपूर और विनय पाठक साहित्य सहायक को कलाकार ने फिल्म में अपनी छोटी भूमिका निभाए हैं। मेरी क्रिसमस का निर्देशन श्रीराम राघवन ने किया है जिन्होंने क्रिसमस की पूर्व संध्या पर एक आदर्श अपराध कहानी को चित्रित करते पूरी कोशिश करते हैं लेकिन फिल्म में कई खंड हैं जहां आपको लग सकता है कि ये बहुत ज्यादा खींची गई है। इतना ही नहीं, पहले हाफ में श्रीराम का निर्देशन थोड़ा शौकिया लगा और शुरुआती 20-30 मिनट में कोई बोर भी हो सकता है। हालांकि शो खत्म होने के बाद कोई भी ट्विस्ट और टर्न से भरा क्लाइमेक्स में संतुष्ट हो जाएगा। फिल्म की रेटिंग के बारे में विचार करते हुए मैं मेरी क्रिसमस को 5 से 3 स्टार दूंगी।